हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार, स्पीडी कुमार यानी कि अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने पहली बार कल एक बात पर अपनी जुबान खोली जिसको सुनने के बाद यार मुझे भी तसल्ली हुई कि चलो भैया फाइनली अक्षय कुमार ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो कि लगातार उनसे एक सवाल पूछते आए हैं कि आपने बॉलीवुड में काम करते हुए कनाडा की नागरिकता क्यों ली, आपने क्यों भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया। तो इस मसले पर अक्षय कुमार ने पहली बार अपनी समस्या बताई कि उनको क्यों ऐसा लगा था कि भैया इंडियन नागरिकता छोड़ के मुझे कनाडा जाना चाहिए। तो भैया उन्होंने बताया कि एक दौर ऐसा आया था बॉलीवुड में उनके लिए जो कि उनके लिए बहुत ही दुखदायी था, यानी कि लगातार 14 फिल्में फ्लॉप देने के बाद उनके पास अच्छे फिल्मों के ऑफर नहीं थे, उनके पास काम नहीं आ रहे थे और वो डिप्रेशन में जा चुके थे। उनको लग रहा था भैया कि इसके बाद अब उनकी जो कहते हैं ना कि फिल्मी लाइफ की जो गाड़ी है वो आगे नहीं चल पाएगी, अब उनको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली जैसे बाकी लोग लेते हैं बाहर जाके पैसा कमाने के लिए। यानी कि उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत से कई सारे लोग जो हैं वो जॉब की तलाश में अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाते हैं। इसी सोच को ध्यान में रखकर उन्होंने इंडियन नागरिकता को त्यागा था और कनाडा की नागरिकता को उन्होंने एक्सेप्ट किया था ताकि जाकर वो वहां कुछ काम कर सके। इससे पहले कि वो कनाडा जाते कि उनकी 15वीं फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो गई और उसके बाद उनकी फिल्में लगातार हिट होने लगी और उनका जो प्लान था कनाडा जाके काम करने का उसे उन्हें त्यागना पड़ा। अब उस वक्त में उनको इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो कनाडा की नागरिकता छोड़ के इंडियन नागरिकता को अपना ले। अब उन्हें जाके एहसास हुआ भैया कि अब तो मेरी यहां पे फिल्मी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और मैं लगातार 15 फिल्में हिट दे चुका हूं, अब मुझे किस बात का डर है। यानी कि वो उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जिसका सपना वो काफी दिनों से देख रहे थे। तो भैया यही बात सोचकर उन्होंने अब कैनेडियन नागरिकता को छोड़ने का फैसला ले लिया। यानी कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा भैया कि जो अक्षय कुमार की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं पहले वो तो साबित करें कि वो कितने देशभक्त हैं, क्योंकि अक्षय कुमार आज के डेट में जो देश के लिए कर रहे हैं वो सबको पता है। और मैं एक बात बोलूंगा बॉस कि किसी पे आप अगर एक उंगली उठाते हो तो ये जो तीन उंगली होती है ना ये आपकी तरफ इशारा कर रही होती है, जो अंगूठा होता है ये ऊपर वाले की तरफ इशारा कर रहा होता है कि बॉस आप अगर उंगली उठा रहे हो ना तो भगवान भी देख रहा है और ये तीन उंगलियां देख लो पहले आप कितने सही हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।